आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मेलबोर्न का तारीखी मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीत लिया है और उन्होंने पहले अपने बल्लेबाजों को आजमाने का फैसला किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बुलंद जज्बों के साथ मैदान में उतर रही है। पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, शान मसूद, इफ्तखार अहमद, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी शामिल हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को तमाशाइयों की भरपूर सपोर्ट हासिल है। ऑस्ट्रेलिया के हर इलाके में बसने वाले पाकिस्तानी जौक दर जौक अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे हैं। पाकिस्तानी सब्ज हिलाली परचमों की मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बहार आ चुकी है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए फतह के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रही है और तमाशाइयों को यकीन है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 1992 की तरह एक मरतबा फिर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से सुरखुरू होकर वापस लौटेगी। जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के मैच में। देखिए हम 30 साल बाद हम एमसीजी के ग्राउंड के अंदर, लास्ट टाइम इमरान खान ने जिताया था, आज बाबर आजम जितवाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे बॉयज मेरे साथ हैं, ये इतने एक्साइटेड नहीं है, इनको लग रहा है बारिश होगी लेकिन नहीं होगी बारिश। जीतेगा पाकिस्तान। जा जा पाकिस्तान।